नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम एग्जाम ओरिजिन्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है दिनांक 15 अगस्त और आज हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना। और हम सबको ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम एक कुशल मानव संसाधन के रूप में अपने आप को विकसित करेंगे और राष्ट्र को विकासशील से विकसित श्रेणी में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमको आज प्रण लेना है और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को एक विश्व गुरु भी बनाना है, ठीक है। तो आज हम 14 से 15 अगस्त के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे और आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर प्री प्लस मेंस दोनों को मिक्स करके यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आपको महत्वपूर्ण डाटा प्रदान किए जाते हैं जिससे आप अपने आंसर को क्या कर सकें, इन्हेंस कर सकें, ठीक है, अपने आंसर की गुणवत्ता को और बढ़ा सके, ठीक है। मैं लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सीरीज को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला विषय होगा वो होगा राष्ट्रीय जल संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। राष्ट्रीय जल संरक्षण प्राधिकरण ने 8 नदी जोड़ो परियोजना की रूपरेखा तय की है। कितनी? 8, ठीक है। 8 नदी जोड़ो परियोजना की रूपरेखा तय की है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे नदी जोड़ो परियोजना की वर्तमान समय में जो 8 नदी जोड़ो परियोजना के तहत कौन कौन सी मध्य प्रदेश में क्रियाशील है, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक डैम है हमारा, अगला टॉपिक होगा हमारा कारण डैम। कारण डैम कहाँ है सर? ये तो धार में है और ये वर्तमान समय में इसमें रिसाव की समस्या देखने को मिली है, इस कारण ये क्या हो चुका है, वर्तमान समय में चर्चा का विषय हो चुका है, ठीक है, हम इसको देखेंगे। उसके बाद हमारी मध्य प्रदेश की बेटी भावना डहरिया, हम इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद मेघा परमार, हम इनके बारे में पढ़ेंगे आज। इसके बाद हमारा अगली जो हमारी एक प्रमुख व्यक्तित्व है वो है प्रियंका केवट, ठीक है। तो ये कुछ व्यक्तित्व है जिन्हें हम देखेंगे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को फर्श से अर्श पर ले जाने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मध्य प्रदेश के नाम को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है, ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रदेश के साहित्यकारों को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम कृति योजना की शुरुआत की गई है, हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। प्रथम कृति पुरस्कार योजना ये क्या है, इसको देखेंगे। उसके बाद महिलाओं से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी की है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, क्योंकि अभी 14 तारीख को जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने इसका रोड मैप जारी किया है, इसलिए हम इस टॉपिक को भी यहां पर देखेंगे। उसके बाद लोक अदालत पर भी हम चर्चा करेंगे, किस पर? लोक अदालत, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय जल संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा 8 नदी जोड़ो परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। कितनी? 8 नदी जोड़ो परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम मेंस की दृष्टि से, किसकी? मेंस के दृष्टिकोण से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप इसका उपयोग कहां करेंगे? इसका आप उपयोग करेंगे जीएस पेपर वन के पार्ट सेकंड के, जहां पर ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वहां पर यूनिट 2 पर आप इसका उपयोग करेंगे, यूनिट 3 पे आप इसका उपयोग करेंगे, यूनिट 4 पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिसका आप ये जो आपको आज ये जो कंटेंट यहां पर आपको प्रदान किया जाएगा आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की या फिर राष्ट्रीय स्तर की कौन कौन सी नदी जोड़ो परियोजना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, क्या देखेंगे? पृष्ठभूमि, ठीक है। पृष्ठभूमि क्या है भाई, इसकी पृष्ठभूमि तो आपको बताना चाहूंगा कि भारत में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना का जो सुझाव दिया था वो दिया था ऑर्थर थॉमस कॉटन ने। किसने दिया था? 1858 में ऑर्थर थॉमस कॉटन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक, ये याद रखना है। उसके बाद दूसरी चीज आपको जो याद रखना है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, भारत की पहली,
ठीक है, इसका उत्तर आप लगाएंगे सर ये तो केन बेतवा लिंक परियोजना है। क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे इसकी शुरुआत कब की गई है। ठीक है, कमेंट करके आप ये मुझे जरूर बताएं कि केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत कब की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमको कहाँ आना है, अभी जो मुद्दा उठा है, अभी क्या हुआ है, हमारे राष्ट्रीय जल संरक्षण प्राधिकरण ने, ठीक है, इसने 8 नदी जोड़ो परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। इसमें से मध्य प्रदेश की 3 है। इसमें से मध्य प्रदेश में कितनी नदी जोड़ो परियोजनाओं के तहत शामिल किया गया? 3। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको बताइए केन बेतवा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पार्वती, काली सिंध और चंबल। दूसरी नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? पार्वती, काली सिंध और चंबल। तीसरी कौन सी है? तीसरी है हमारी पार्वती कूनो सिंध परियोजना। तो ये क्या है, ये कुछ हमारी नदी जोड़ो प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश को इसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किन किन राज्यों की भागीदारी है, तो केन बेतवा की में जो भागीदारी है वो मध्य प्रदेश और यूपी की है, पहला। दूसरा, जो हमारी पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना है, इसमें एमपी, यूपी और राजस्थान है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारी पार्वती कूनो सिंध परियोजना है, यह एमपी प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब ऐसी कौन कौन सी और ऐसी परियोजना है जो कैचमेंट एरिया आता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का कैचमेंट एरिया आता है, तो ऐसी 2 परियोजनाएं हैं जिनका कैचमेंट एरिया मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, कौन कौन सी है भाई? पहली है महानदी गोदावरी, महानदी और गोदावरी। दूसरा है गोदावरी और कृष्णा। सर आप मुझे यह बता दीजिए सर, ये कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया से तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनका लाभ इस नदी जोड़ो परियोजना के तहत मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, तो ये क्या है? कैचमेंट एरिया है। ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए कि इसका लाभ क्या मिलेगा? सबसे पहले जो नदी जोड़ो परियोजना का लाभ क्या है, क्या भाई लाभ, कि भाई इसके लाभ क्या क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहला लाभ ये होगा, सबसे पहला लाभ ये होगा कि भाई बाढ़ एवं सूखा की जो समस्या है ना, उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पेयजल की उपलब्धता हो जाएगी। किसकी? पेयजल की। ठीक है, पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। उसके बाद क्या होगा भाई? जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी। क्या? जल विद्युत उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई उद्योगों को पानी उपलब्ध होगा। किसको? उद्योगों को। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा? उसके बाद आपको याद रखना, वर्षा जल का संरक्षण होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश केवल 30% जल को ही, वर्षा जल को क्या कर पा रहा? संरक्षित कर पा रहा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आर्थिक समृद्धि और जीवन स्तर बेहतर होगा।
जीवन स्तर कैसे बेहतर होगा? भाई देखो, जब जो जो हमारा क्षेत्र है जो सूखा प्रभावित है वहां पर कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जब वहां पर कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो कृषकों के पास आमदनी आएगी और उनसे उनकी उससे क्या होगा, उसका परिणाम हमें मिलेगा कि उनके जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, और क्या होगा भाई, नहरों का विकास होगा, नहरों के माध्यम से ही नदी को जोड़ा जा रहा है, नहरों का विकास होगा। ठीक है, और क्या होगा, नौवहन मतलब जल परिवहन का विकास होगा, जल परिवहन परिवहन के विकास से क्या होगा कि भाई परिवहन लागत में कमी आएगी, परिवहन लागत में कमी आएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, किसको, जल पर्यटन को। ठीक है, रोजगार सृजन होगा कि भाई जब इतने सारे नदी जोड़ो परियोजना के तहत इतनी सारी योजनाएं क्रियान्वित होगी, निवेश होगा तो रोजगार तो मिलेगा ही, तो रोज यहां पर लिख दे रहा हूं, रोजगार का सृजन। ठीक है, ये कुछ लाभ होंगे भाई, लाभ है पर इसके समझ क्या है, चुनौतियां और कुछ समस्या भी है। ठीक है सर, ये चुनौतियां क्या क्या हैं भाई, चुनौतियां सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आप क्या देखना, यहां पर चुनौतियां कौन कौन सी हैं। पहली चुनौती है राज्यों के मध्य नदी जल विवाद, क्या है भाई, राज्यों के मध्य नदी जल विवाद है पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, भारत क्या एक विकासशील देश है, भारत क्या है एक विकासशील देश है और वर्तमान समय में जो ये परियोजनाएं होती हैं इसके लिए वृहद मात्रा पर धन की आवश्यकता होती है, तो भाई धन की समस्या है। ठीक है, उसके बाद भूमि की समस्या है, ठीक है ये है। उसके बाद और क्या है कि भाई इससे कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, नुकसान। नुकसान हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें नुकसान देखने को मिलेगा कि भाई मॉनसून चक्र गड़बड़ा सकता है, क्या मॉनसून चक्र, दूसरा आपको याद रखना है जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता पर, कैसे जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि भाई बेतवा नदी पर एक ऐसी मछली पाई जाती है जो विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती, अगर क्या होगा वहां पर केन नदी का पानी जब लेके जाया जाएगा तो उसकी जो उसकी जो जैव विविधता है उसको मतलब हानि हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई कि भाई आपने देखा होगा कि जो हमारी केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके समझ क्या थी, पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिल रही थी, क्यों, क्योंकि क्योंकि जो पन्ना हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान था वो क्या हो रहा था, बहुत अधिक इसके मतलब कि अतिक्रमण क्षेत्र पर आ रहा था, है ना, तो आपको याद रखना इससे वनों का विनाश होगा, क्या होगा, वनों का विनाश होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा, आपको यह याद रखना है इससे सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी, सामाजिक समस्या कैसे भाई कि भाई इतने वृहद मात्रा में आप क्या करेंगे, नदियों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके तहत जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं उनको आपको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, है ना, तो ये एक सामाजिक समस्या है, अर्थात पुनर्वास की समस्या आप यहीं पर जोड़ सकते हैं। पुनर्वास की समस्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कुछ समस्याएं हैं जो हमें देखना है कि यार हम इतने वृहद मात्रा में इस परियोजनाओं का निर्माण तो कर रहे हैं पर इनके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, कुछ नुकसान भी हैं इसके, तो हमें इसके नुकसान को भी कम करते हुए क्या करना है, इन योजनाओं को अमली जामा पहनाना या फिर इन्हें मूर्त रूप प्रदान करना है। ठीक है, आपको एक समिति याद रखना है, मिहिर शाह समिति, कौन सी समिति, मिहिर शाह समिति,
मिहिर शाह समिति, इसका संबंध किससे है? तो जल प्रबंधन से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्या नदी जोड़ो परियोजना का जो मुख्य लाभ क्या है, इससे समझ चुनौतियां क्या है, हानि क्या है, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ पर आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या होती तो आप जरूर कमेंट कर अपने सुझाव को आप दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा कारम डैम। ठीक है, कारम डैम आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा कि हम इसका उपयोग कहां पर करेंगे। ठीक है, इसका हम उपयोग करेंगे जीएस पेपर वन के पार्ट टू के यूनिट फोर में। ठीक, मानव निर्मित आपदा में, मानव निर्मित आपदा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका आप उपयोग भ्रष्टाचार में भी करेंगे। भ्रष्टाचार जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर फोर इथिक्स का है। ठीक है, वहां पर भी आप इसका उपयोग करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, कारम डैम। कारम डैम अवस्थित कहां है? सर ये तो धार में है। कहां पर है? धार में अवस्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये किस नदी पर है? तो कर्मा नदी पर है, कर्मा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अभी ये चर्चा में क्यों आया है, अभी ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि भाई 303 करोड़ की लागत से, 303 करोड़ की लागत से बनाए गए इस बांध में रिसाव की समस्या देखने को मिली है। कौन सी समस्या मिली है? रिसाव की समस्या। और इस समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने धार के 12 गांव और खरगोन के 6 गांव, छह गांव को पूरी तरीके से खाली करा लिया है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं भाई अगर बाढ़ फूट जाए या फिर ऐसी कोई अचानक कोई आपदा ना आ जाए कि हम क्या ना कर पाए, अपने विशाल जन हानि को रोक ना सके, जन और धन दोनों की हानि हम रोक ना पाए, है ना। तो इसलिए इन गांवों को खाली करा दिया गया है। ठीक है ना, अब यहां पर आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले मानव निर्मित आपदा में आप इसका उदाहरण डाल सकते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का जो कारम डैम था उसके रिसाव से विशाल मात्रा में पुनर्वास की समस्या देखी गई। किसकी? पुनर्वास में आप इसका उदाहरण डाल सकते हैं कि भाई धार के 12 गांव खाली कराए गए, वहीं पर खरगोन के 6 गांव खाली कराए गए, उसके बाद भ्रष्टाचार में आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? इस योजना के तहत यह बताया गया है कि इसमें ई टेंडरिंग हुई थी। क्या हुई थी? ई टेंडरिंग में घोटाला देखा गया है। क्या देखा गया है? घोटाला। ठीक है, आप ये बताइए 300 करोड़ की इतनी विशाल परियोजना जो अभी तक पूरी भी नहीं हुई है, अभी ये निर्माणाधीन परियोजना है और अभी से इसमें रिसाव जैसी समस्या हमें देखने को मिलेगी, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो अभी वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है? ठीक है, तो आपको यह उदाहरण डालना है कि अभी हाल ही में जो कारम नदी डैम जो अभी वहां पर रिसाव की समस्या देखी गई है, वहां पर ई टेंडर में घोटाले देखे गए थे, इसलिए उसकी गुणवत्ता क्या हुई है? प्रभावित हुई है। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट को वहां पर नोट करना है। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर? हमारी नर्मदा बचाओ की जो पर्यावरणविद है, कौन सी? नर्मदा बचाओ पर्यावरणविद मेघा पाटकर। कौन? मेघा पाटकर, वो भी इस जगह पर पहुंची, उन्होंने इसका जायजा लिया और इन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया कि भाई यह परियोजना मैं पहली बार अपने जीवन में ऐसी देख रही हूं जो आधी कच्ची और पक्की है। तो यहां पर आपको याद रखना, नर्मदा बचाओ के लिए कौन सी पर्यावरणविद मशहूर है? तो मेघा पाटकर। उसके बाद अमृतलाल बेगड़ा, इन्हें नर्मदा पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा पुरुष, आपको यह भी याद रखना है, है ना। तो आप इस पॉइंट को कैसे यहां पर मानव जनित आपदा में इसका उपयोग कर सकते हैं, भ्रष्टाचार वाले टॉपिक में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अभी ये प्रीलिम्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट कि भाई आपसे पूछता कारम डैम कहां पर है, किस नदी पर है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है।
ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगला है हमारा भावना डहरिया। आपने देखा होगा एमपीपीएससी के प्रीलिम्स को 10 यूनिट्स में बांटा गया है, उसमें से जो आठवीं यूनिट है वहां पर करंट का जो एक टॉपिक दिया गया है उसमें से पूछा गया है व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व है भावना डहरिया। भावना डहरिया यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली, कहां की है, छिंदवाड़ा। और सर ये है क्या, ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतारोही हैं। क्या है ये, पर्वतारोही हैं, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि इन्होंने 2019 में एवरेस्ट फतह किया था। क्या एवरेस्ट, एवरेस्ट फतह किया था। और अभी हाल ही में क्यों चर्चा में आई है, अभी हाल ही में चर्चा में आई है क्योंकि यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। कौन सी, माउंट एल्ब्रुस पर 15 अगस्त के उपलक्ष पर यह तिरंगे झंडे को फहराने वाली है, इसलिए क्या है अभी यह चर्चा में आई है। तो माउंट एल्ब्रुस ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको बताने सर ये काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, काकेसस, काकेसस। ये काकेसस पर्वत कहां स्थित है सर, ये तो रूस और जॉर्जिया की सीमा पर स्थित है जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो आपको भावना डहरिया को बहुत अच्छे से याद रखना है। और जब इन्होंने एवरेस्ट की फतह की थी तो इन्होंने लिखा था पाताल कोट की गहरी खाई से इन्होंने एवरेस्ट तक के सफर को क्या किया था, तय किया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में। अगर आपसे पूछा जाए ये जो हमारा काकेसस पर्वत श्रेणी है कैसा पर्वत है, तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। किसका, नवीन वलित पर्वत, वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। आपको इतनी चीजें भावना डहरिया से याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये है हमारी मध्य प्रदेश की अगली बेटी जिसका नाम है मेघा परमार। क्या है, मेघा परमार। इन्होंने ये भी क्या है, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वतारोही हैं। क्या है, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वतारोही हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर इनका संबंध तो सीहोर जिले से है। और इन्होंने 2019 में एवरेस्ट की फतह की थी। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बेटी बचाओ आंदोलन है, बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मेघा परमार का संबंध किससे है, तो यह मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वतारोही है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है, तो आपको बताना इनका संबंध मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से है। इन्होंने यह क्या थी, ये एक पर्वतारोही है, इन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन जो योजना है उसका ब्रांड एम्बेसडर क्या किया है, नियुक्त किया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको मेघा परमार के बारे में याद रखनी है और भावना डहरिया के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगला है हमारी प्रियंका केवट। देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बेटियों ने कैसे प्रदेश के नाम को विश्व पटल पर गौरवान्वित महसूस कराया है, ठीक है। अगली हमारी बेटी है प्रियंका केवट। प्रियंका केवट का संबंध है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। कहां से, सीधी जिले से। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय वूसी प्रतियोगिता में, किसमें, अंतरराष्ट्रीय वूसू प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय वूसू चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था, इसका आयोजन किया जा रहा है जॉर्जिया में, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, कि भाई प्रियंका केवट का संबंध किससे है। तो प्रियंका केवट का संबंध है सर, ये वूसू की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। मध्य प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है, सर इनका संबंध तो सीधी जिले से है। और अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहां किया गया है, जॉर्जिया में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पर्सनालिटीज के रूप में इन्हें याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे,
अगला है आपको यह याद रखना है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम कृति योजना की शुरुआत की गई है। किसकी प्रथम कृति योजना की शुरुआत की गई है? इसके तहत प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, क्या साहित्यकार हैं, उन्हें क्या दिया जाएगा? 20,000 रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। 20,000 रुपए का वार्षिक अनुदान। आपको जैसे योजना से ही समझ में आ रहा, प्रथम कृति योजना साहित्यकारों की जो पहली कृति होगी उन्हें प्रथम कृति योजना के तहत उन्हें क्या किया जाएगा? 20,000 रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। किसके द्वारा? प्रदेश की सरकार के द्वारा। और नोडल एजेंसी कौन रहेगी? तो यह रहेगी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। और इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, इसका उपयोग कहां करेंगे? आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों का एक टॉपिक दिया गया है। कहां पर दिया गया है? यह दिया गया है जीएस पेपर 1 के यूनिट 3 में। ठीक है, तो वहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इस योजना को डिकोड कर सकते हैं कि हाल ही में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम कृति योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि उन्हें अनुदान के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है, तो आप इस योजना का उपयोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगला हमारा महिलाओं से संबंधित मुद्दे। ठीक है, क्या है हमारा? महिलाओं से संबंधित मुद्दे। यहां पर मैं आपको दो मुद्दे बताऊंगा। कितने मुद्दे? दो मुद्दे। बहुत अच्छे से आप समझिएगा। सबसे पहले, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की गरिमा और उनके प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि जितनी भी निचली अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश की जितनी भी निचली अदालत है, अधीनस्थ अदालत है, वो अब यौन उत्पीड़न के जो भी मामले आएंगे, किसके यौन उत्पीड़न के जो भी मामले आएंगे, जो उनकी सुनवाई की जाएगी, अब बंद कमरे में की जाएगी। किसमें की जाएगी? बंद कमरे में की जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई? जो यौन उत्पीड़न के मामले जितने भी हैं, उसको बंद कमरे में उसकी सुनवाई करने को क्यों कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई वह महिलाओं को मानसिक आघात से बचा सके। किससे? मानसिक आघात से बचा सके, उन्हें सामाजिक शर्म से सुरक्षा दिला सके। किससे? सामाजिक शर्म से सुरक्षा दिला सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप क्या कर सकते हैं? एक सकारात्मक पहर है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट पढ़े तो वहां पर भी इस पॉइंट को नोट कर लें, और जब आप महिलाओं से संबंधित मुद्दों की बात करें तो अभी आप इसको ऐसे करके डिकोड कर सकते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के सभी मामलों को बंद कमरे में की जाने की क्या की है, एक आदेश दिया है, ताकि महिलाओं की गरिमा, उनके प्रति संवेदना जाहिर की जा सके, उनको मानसिक आघात से बचाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को यूज कर लेंगे। उसके बाद एक और मुद्दा है। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि अभी वर्तमान समय में हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये थे RV रमन। ठीक है, अभी किसे नियुक्त किया जाना है? तो ये किया जाना है, नियुक्त किया जाना है जो हमारे 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, UU ललित को। और UU ललित का पूरा नाम क्या है? उदय उमेश ललित। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बहुत अच्छे से कुछ बातों को सुनना है। ठीक है ना, इन्होंने यह बोला है कि भाई पूरे देश में जितने भी न्यायालय हैं, पूरे देश में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे वो हाई कोर्ट की बात हो, ठीक है
सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारे पास, और उसके बाद हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कुछ संयुक्त भी हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई है, ठीक ना। तो उन्होंने ये बोला है कि हाई कोर्ट में, कहाँ पर, हाई कोर्ट में जो महिला न्यायाधीशों की संख्या है, महिला न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है, मात्र 11%। कितनी है, मात्र 11% है। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 33 न्यायाधीश होते हैं, सॉरी कितने, 33 न्यायाधीशों की एक बेंच होती है, और इसमें से केवल 4 महिला न्यायाधीश हैं। कितनी, तो 4 महिला न्यायाधीश हैं। और इस मुद्दे के प्रति उन्होंने क्या है कि खेद व्यक्त किया है कि भाई हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें महिलाओं की भागीदारी को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि समानता स्थापित की जा सके। क्या स्थापित की जा सके, समानता स्थापित की जा सके, जो संविधान की प्रस्तावना का जो मूल लक्ष्य है, समानता स्थापित करना, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, है ना। तो इस स्तर पर समानता स्थापित करते हुए उन्होंने ये बोला है कि अब हमें इस दिशा में भी कार्य करना होगा कि हम जो महिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कहां पर करें, सुप्रीम कोर्ट में उनकी संख्या को बढ़ाएं, हाई कोर्ट में उनकी संख्या को बढ़ाएं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भारत में जितने भी रजिस्टर्ड अधिवक्ता, उसमें से अधिवक्ता है 1.7 करोड़, ठीक है। जो भारत में कुल रजिस्टर्ड अधिवक्ता है या फिर एडवोकेट है उनकी संख्या 1.7 करोड़, और इसमें से महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं का जो अनुपात है वो मात्र 15% है। आप देख रहे हैं कि महिलाएं न्याय कि जो हमारी एक लॉबी है वहां पर महिलाएं अभी भी कितनी पिछड़ी हुई है, ठीक है। तो कम होने का कारण क्या है, सबसे पहला कारण है पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है, कि भाई समाज के द्वारा ही उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। उनकी जो शक्ति है ना, उनको कम आका जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है ओपेक कोलेजियम प्रणाली। ये जो कोलेजियम प्रणाली होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही था कि भाई इसमें कुल 5 जज होते हैं, इसमें मुख्य न्यायाधीश भी हमारे होते हैं भारत के, ठीक है। ये क्या करता है, न्यायालयों में जैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, और वहां पर इसके बाद इसका एक और काम क्या है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करना, और साथ ही उनके स्थानांतरण के लिए क्या करना, सुझाव देना। ये दो काम होता है हमारा कोलेजियम प्रणाली का, ठीक है ना। तो ये जिस कोलेजियम प्रणाली में क्या होता है कि भाई महिलाओं की उपेक्षा की जाती है, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। परंतु जिस परीक्षा के माध्यम से ये क्या है कि न्याय प्रणाली के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं, पर कोलेजियम प्रणाली में इनकी जो स्थिति है वो अभी भी क्या है, दयनीय है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि अगर हाईकोर्ट में, ये अगर कोलेजियम प्रणाली के द्वारा हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने हाई कोर्ट में 192 जजेस को नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा, इसमें से महिलाओं की जो संख्या थी वो 37 थी। कितनी थी, 37 थी, पर अंतिम रूप से जब इनकी नियुक्ति की गई 37 महिलाओं में से केवल 17 महिलाओं की ही नियुक्ति की गई थी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई महिलाओं की कितनी अधिक उपेक्षा की जा रही है, ठीक है। उसके बाद महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं है, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है, जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, याद रखिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों में आरक्षण का तो प्रावधान है, परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको यह भी बता दें कि भाई राजनीति की
इच्छा शक्ति का भी अभाव है, किसका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी, कि भाई इनकी जो उपस्थिति है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं न्यायालयों में, तो इसके लिए भी कोई प्रभावी कदम या फिर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये भी समस्या भाई कि पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है, पारिवारिक जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर, इसलिए भी ये क्या होता है कि ये सर्वोच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद न्यायिक अधोसंरचना की भी समस्या है, किसकी, न्यायिक अधोसंरचना, न्यायिक अधोसंरचना की आप अगर हमसे आपसे बात करें तो आपको ये पता ही होगा कि वर्तमान समय में जो हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं या फिर कोर्ट्स हैं बहुत छोटे छोटे उनके कमरे होते हैं, और वहाँ पर जो हमारी महिला न्यायाधीश होंगी उनके लिए क्या एक पृथक रूम की भी हर जगह व्यवस्था नहीं की गई है, कहीं कहीं पर है पर हर जगह नहीं की गई है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रमुख मुद्दा है। ठीक है, तो इस कारण ये कुछ क्या है, प्रमुख कारण है जिस कारण महिला न्यायाधीशों की, महिला एडवोकेट्स की क्या है कि उनकी जो उपस्थिति है वो वास्तविक रूप से क्या है, नहीं हो पा रही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसका लाभ क्या मिलेगा, इसका लाभ क्या मिलेगा, लाभ आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले आप ये बताइए, जितने भी महिलाओं के मुद्दे उठते हैं अगर वो महिलाओं के द्वारा सुने जाएंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो उनकी संवेदना है, जो उनकी सहानुभूति है, वो हमें अधिक देखने को मिलेगी, और क्या होगा, महिलाओं से जो संबंधित मुद्दे हैं उसमें शीघ्रता देखी आएगी, क्या आएगी, शीघ्रता से उनका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। उसके बाद क्या होगा कि भाई न्याय की अवधारणा, प्रस्तावना में वर्णित शीघ्र न्याय की अवधारणा को क्या मिलेगा, मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। उसके बाद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण। उसके बाद लैंगिक भेदभाव, भाव में कमी आएगी। ठीक है, ये क्या है, इसके कुछ लाभ हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो आपको देखना है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। क्या हमारा अगला टॉपिक, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में आपको क्या याद रखना है कि आपको यह याद रखना है जो हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है इसकी शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर की गई थी। किसके तर्ज पर, आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है 12 मई 2020 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पर उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, उससे भी इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि भाई क्या हो रहा है, अभी नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक की गई थी। कहां पर की गई थी, नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, इसमें हमारे मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और इन्होंने यह बोला था कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की स्कीम को, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की स्कीम को अब मूर्त रूप प्रदान करेंगे, इसके लिए अब हम रोड मैप तैयार करेंगे। क्या करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे और हम 2024-25 तक भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करेंगे, 5 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है उस रूप में विकसित करेंगे, इसमें जो मध्य प्रदेश का योगदान होगा वो होगा $550 करोड़ बिलियन डॉलर है ना भाई, $1 बिलियन। ठीक है, पिछले बार भी मैंने यहां पर गलत बोल दिया था, 550 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसलिए अब क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप जारी किया है। ठीक है, इसके कितने स्तंभ है तो आपको याद रखना है, इसके कुल 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। सर इसके कौन कौन से स्तंभ है, सबसे पहला स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना। पहला स्तंभ क्या है, भौतिक अधोसंरचना का निर्माण करना है। पहला स्तंभ याद रखना भाई, ये पूछा जा सकता है मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है सुशासन, तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा हमारा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा,
और अंतिम आपको याद रखना है अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो ये चार स्तंभ हैं जो क्या है, ये फोकस बिंदु हैं कि इन क्षेत्रों पर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें सहयोग कौन प्रदान करेगा, इसमें सहयोग कौन प्रदान करेगा, इसमें सहयोग प्रदान करेगा नीति आयोग। कौन प्रदान करेगा सहयोग, नीति आयोग, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, इसका लाभ क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है लाभ। लाभ याद रखिए कि इसका लाभ क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। अर्थात क्या बोला, खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ओंकारेश्वर डैम पे सोलर पैनल के जरिए बिजली उत्पादन। सोलर पैनल के द्वारा बिजली के उत्पादन को महत्व बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आपको यह याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, किसानों को सम्मान निधि दी जाएगी। क्या दी जाएगी, सम्मान निधि, किसको, किसानों को। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, गरीबों को पूरा न्याय मिले उसकी आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और उसकी आय बढ़ाएंगे। ठीक है, यह याद रखना है। आबादी के हिसाब से बजट में हिस्सेदारी तय की जाएगी। आबादी के हिसाब से बजट में हिस्सेदारी, अब आबादी के हिसाब से क्या कि भाई अब हम यहां पर देखेंगे, भाई जाति के आधार पर देखेंगे यहां पर किस, कितने अनुसूचित जाति हैं, कितने अनुसूचित जनजाति हैं, कौन सा हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, हम उनको देखकर बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ऐसी कौन सी ऐसी अभी किन किन कौन सी ऐसी आबादी है जो कि विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई है, विकास का प्रकाश हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, शिक्षा के लिए बेहतर अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के लिए बेहतर अधोसंरचना, बेहतर अधोसंरचना। ठीक है भाई, मैं थोड़ा स्पीड लिख रहा हूं, थोड़ा यहां पर गलती होगी तो आप समझ जाना, पर बोलने में मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। ठीक, वहां पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा पर भी जोर दिया गया है कि भाई हम विद्यालयों को क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई महिला सशक्तिकरण और बेटियों को बेहतर सुविधा देंगे। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ क्या करेंगे, बेटियों को बेहतर क्या देंगे, सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद क्या बोला है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर हम क्या करेंगे, नए अस्पतालों का निर्माण करेंगे और साथ ही हम बेहतर हेल्थ सर्विस देंगे। क्या करेंगे, बेहतर हेल्थ सर्विस देंगे और अस्पताल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ लक्ष्य रखे गए हैं किसके तहत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये चार मुख्य क्या है, इसके क्षेत्र है जिस पर ये जोर देगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भाई भौतिक अधोसंरचना पर जोर दिया जाएगा, सुशासन पर जोर दिया जाएगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर फोकस किया जाएगा। ये क्या है इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसका उपयोग कहां करेंगे, आप इसका उपयोग करेंगे जीएस पेपर 2 के पार्ट 2 के यूनिट 2 में, जहां पर मध्य प्रदेश को उद्योग की बात की गई है, वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे। शिक्षा वाले टॉपिक पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। महिलाओं से संबंधित मुद्दों की अगर बात की जाए तो आप डाल सकते हैं वहां पर कि भाई मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत महिला सशक्तिकरण और महिला बेटियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप इस पूरे टॉपिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब हम क्या पढ़ेंगे, लोक अदालत। ठीक है, तो लोक अदालत में एक ये टॉपिक आया था कि अभी हाल ही में लोक अदालत ने 74 लाख मामले
कितने मामले? 74 लाख मामलों का निपटारा किया है। क्या किया है? निपटारा किया है, ठीक है। और किसके माध्यम से? ई लोक अदालत के माध्यम से। किसके माध्यम से? ई लोक अदालत। सर ये ई लोक अदालत क्या है? अर्थात न्याय के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही लोक अदालत, ई लोक अदालत है। क्या? कि सूचना के क्षेत्र में, सॉरी, न्याय के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही लोक अदालत है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, अब हम इसके कुछ स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। किसकी स्थापना कब की गई, इसका महत्व तो क्या है, इन सब टॉपिक्स को अब हम देखेंगे, ठीक है। यह सबको सबसे पहले आपको याद रखना है, यह किस पर आधारित है? पंच परमेश्वर सिद्धांत पर आधारित है। किस पर यह आधारित है? यहां से बता देता हूं, यह पंच परमेश्वर के सिद्धांत पर आधारित है। पहला पॉइंट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार लोक अदालत की स्थापना कहां की गई थी, यह स्थापित की गई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ राजस्थान में, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। और इसे मान्यता का प्रदान की गई है, इसे मान्यता प्रदान कर दी की गई है विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत, इसे मान्यता का प्रदान की गई है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी विचारधारा पर, गांधीवादी विचारधारा पर, ठीक है, यह याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? यह वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की स्थापना करता है। यह क्या करता है? वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की स्थापना करता है, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। इससे न्यायालय में लंबित मामले व दाखिल नहीं हुए मामले आते हैं। इसमें किस प्रकार के मामले आते हैं, इसमें किस प्रकार के मामले आते हैं? तो न्यायालय में लंबित मामले, और जो मामले न्यायालय में लंबित मामले और ऐसे मामले जो अभी तक कहां न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं, जो न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं ऐसे मामले यहां पर आते हैं, ठीक है। यह आपको याद रखना है। इसका लाभ क्या होगा, थोड़ा सा याद रख लिए, लाभ में आपको यह याद रखना है कि भाई वकील का खर्च नहीं लगता यहां पर, किसका? वकील का खर्च नहीं लगता, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, कोर्ट की फीस नहीं लगती यहां पर, किसकी? कोर्ट की फीस नहीं लगती, ठीक है। तीसरा, पुराने मुकदमों की कोर्ट फीस वापस हो जाएगी, जितने भी पुराने मुकदमे हैं ना, कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है यहां पर, कोर्ट फीस वापस पुराने मुकदमों की, ठीक है। मुआवजा व हर्जाना तुरंत मिल जाता है, तुरंत मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके कुछ लाभ है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय, इसको आप याद नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अभी हाल ही में, और आप इसका उपयोग कहां करेंगे ये पहले बता दो भाई, है ना, जीएस पेपर 2 के यूनिट 1 में, वहां पर ये लोक अदालत, वहां पर स्पेशल टॉपिक दिया गया है, वहां पर आप ये सभी डाटा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। 14 नहीं है भाई, ये 74 लाख है ना, 74 लाख मामले हैं, ठीक है। चलो, आपको कुछ चीजें याद रखना है। अभी हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा में ये बात कही है
कि मध्य प्रदेश में 4.17 लाख मामले क्या है, पेंडिंग है। ठीक है ना, तो भाई इतने मामले पेंडिंग है तो इन मामलों को तीव्रता से निपटाने के लिए लोक अदालत क्या कर सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इन पेंडिंग मामलों को शीघ्र निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है, ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है और भी अन्य बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे क्या हो सके, हम इन सभी मामलों को शीघ्रता से निपटा सकें और प्रस्तावना में वर्णित न्याय की जो अवधारणा है उसे हम मूर्त रूप प्रदान कर सकें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा और आप इस सीरीज को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम यहां पर दिन भर मेहनत करते हैं उसके बाद ये कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आपकी तैयारी को क्या हो, हम एक नई दिशा प्रदान कर सकें और आप क्या आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।